ग्लेशियर्स हैं, 5 ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया में, तो इनमें से 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिर्फ इस छोटे से रीजन के अंदर है। और वाइल्ड लाइफ को देखा जाए, इनडेंजर्ड स्पीशीज है, ऐसे जानवर है जो कि रेयर है दुनिया में, जो कि आपके ही क्लाइमेट। ताप साहब हमारे बहुत अच्छे यंग एनर्जेटिक साहब हैं, वो बजाय मिनिस्टर बनने के 5 ग्रेड में जाके भर्ती हुए, तो मैंने उनसे ये बात, उनसे इजाजत लेके पूछी। मैंने उनसे ये कहा कि ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बेशक तरक्की करे कोई खुशी की बात है, पीछे की तरफ ना जाए। तो उसने कहा कि मैं अपना तो मुझे तो खैर कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही थी, मेरे बाल बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं था। तो बहरहाल ये यहाँ पे मेंशन करने का मतलब ये है कि आपके रिकॉर्ड में रहे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सर। शाह साहब, या आप तकरीर करें या फिर बात, साफी होते हैं जिसमें एक क्राइटेरिया होता है जिसमें जो कि हर साथी फुलफिल शायद नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से वो बाहर भी रह जाता है। तो ये जो हमारा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे सबकी नुमाइंदगी होती है और ये मौसर तरीन प्लेटफॉर्म होता है जिससे आवाज़ उठाई जा सकती है। हमारा ये मिशन है इस इदारे को हम मजबूत बनाने के बाद, इसी के जरिए आज हमारे पास कराकोरम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी थे, शायद अभी वो चले गए हैं, तो जो भी हमारे पास नए फारिग तहसील साहबी हजरात व खवातीन बच्चे बच्चियाँ आएंगी उनकी तरबियत के लिए भी, और मौजूदा जो हमारे साहबी हैं इनके बहुत सारे इश्यूज हैं, इनको भी हम टेकअप करेंगे। तो इस वक्त जो हमारे सदूर हैं दो काबिल और बकौल ईसा साहब, बकौल ईसा साहब खूबसूरत सदर भी हैं, खालिद को उन्होंने खूबसूरत डिक्लेयर किया है और अपने जुहैब साहब को उन्होंने खूबसूरत डिक्लेयर नहीं किया, अगरचे आज उन्होंने भी क्लीन शेव किया था। प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से है, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक हुई है साजिश। वो साजिश ये है कि खादिम भाई ने आज माहौलियात का आलमी दिन जो जून में मनाना था, आज हमारे दिन को कैप्चर करके हमें विवश कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन हम भी इस साजिश का बदला हम उससे जून में निकालेंगे और उस दिन हम अपने मसाइल, जो साफियों की जो मसाइल है उस पर हम बात करेंगे। गो के आज साफियों का ही आलमी दिन है, लेकिन हम फिर भी तरजीह माहौलियात को ही देते हैं क्योंकि इसमें हम सबकी बका है, माहौलियात है और जिस तरह का क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है, इस हवाले से मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं बराह रास्त इस पर इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज मई का महीना है और आज भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उन्होंने कोट पहना हुआ है। सर्दी है और गर्मी है, ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट का शिकार है कि सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी जो है वो आ नहीं रही है, तो हम सब इसी वजह से परेशान हैं। तो क्योंकि टाइम की भी कमी है और आज जुम्मा भी है और हमारे पास कोई आधा घंटा है और नमाज के बाद जो है लंच होगा, तो मैं अपने जो मेम्बरान है, मेरे जो कैबिनेट के मेम्बरान है गिलगित यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो मेम्बरान है उनकी तरफ से मैं तमाम डिवीजन के आए हुए जो लोग हैं, हुंजा प्रेस क्लब, हुंजा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बल्तिस्तान प्रेस क्लब, बल्तिस्तान सिगरदू प्रेस क्लब के प्रेजिडेंट्स मुसवर साहब भी इधर मौजूद थे, अभी कहीं निकल हैं, और गिजर प्रेस क्लब के और इसके साथ गिलगित प्रेस क्लब के जो जो हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ जो हमारे मीडिया पार्टनर है, इसमें सबसे पहले अगर मैं तस्करा ना करूँ तो ये जाती होगी गिलगित सरीना होटल की खुशन मैडम अफशा, जिन्होंने गुज़रे एक हफ्ते से हमारे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया और ये जो आज हम यहाँ जिस मुकाम पे बैठे हैं आप सब इकट्ठे हुए हैं इसमें इन्हीं का बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी। और इसके साथ GBRSP है, WWF है और GBEPA है और इलेक्शन कमीशन है, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम बैठे और एक दूसरे को हमने सुना और आधे घंटे के हमारे पास वक्फा है और इसके बाद इशा साहब ने भी एक बड़ी अच्छी शरारत की है कि वो अहम ऐलान, तो अहम ऐलान ये है कि हमारा दूसरा सेगमेंट जो है खाने के बाद शुरू हो रहा है, तो उसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है चीफ गेस्ट हैं और क्योंकि आज वफाकी वजीर ने भी आना था गिलगित बल्तिस्तान, अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट कैंसिल हुई और वो आए नहीं, तो मैं इशा साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे पर्ची नहीं दी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना लेवल को समझ के काम करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान का भी फायदा है और हम सब का उसमें बेहतरी होता है। मैं
आज के जो मुतालबात आप लोगों ने रखा है, आप लोगों के जब जो आपकी कमेटी बनी थी, तीन चार दो तो मैंने खुद हलफ दिया आप लोगों के, तो मुतालबात में उस तरह बहुत हर एक का अलग है, बहुत सारे चीजें हैं। मैंने एक कमेटी उस वक्त बनाया था मिनिस्टर लॉ के अंडर में, उसमें आपके भी नुमाइंदे हैं। मैंने ये कहा कि जो जो चीजें हम सूबाई हुकूमत के उसमें है हम कर सकते हैं, तो आप लोग बैठ के दोनों लॉ मिनिस्टर के साथ आप सब बैठ के आपके जो तीन या चार जितना भी कमेटियां हैं मुख्तलिफ जिलों के लिए या जी बी लेवल के जो इश्यूज है उसको लाओ, हम इंशाल्लाह सिर्फ ऐलान नहीं करेंगे, वो करके आपको देंगे। और मेरे उस कमेटी के बाद मेरे ख्याल में एक दो मीटिंग हुआ भी है आप लोगों का, लेकिन फाइनल मेरे पास वो बना के नहीं लाया। आप एक हफ्ते के अंदर, दस दिन के अंदर, महीने के अंदर बना के लाए, जो जो हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि सहाफत जो है माशरे का एक अहम वो है, सुतून है। आपके बगैर माशरा अच्छे अंदाज में काम नहीं कर सकता है। तो मेरा आपसे ये वादा होगा कि इंशाल्लाह हम अपने बसात में जो सूबाई हुकूमत का बस है, जो हमारे पास फाइनेंशियल गुंजाइश है, उस हिसाब से आपके तमाम इशू को जो हम कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की किसी नेमत को हम झुठला नहीं सकते। बहरहाल बात एनवायरनमेंट की हो चली है, तो गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने एक खसूसी तौर पर एक शक्ल हैयत अता की। सबसे ऊपर हमारे पास ग्लेशियर हैं, पहाड़ हैं, फिर उसके नीचे जंगल है, फिर उसके आते 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 हम दरिया की बस तक गहराई पर मौजूद हैं। अब यहाँ इस माहौल को एज इट इज रखने के लिए ना हम पहाड़ों से छेड़े, ना हम जंगल से छेड़े, ना हम पानी से छेड़े, ना हम अपनी जो कुदरती तौर पर मौजूद हमारे पास जो एक आब हवा है उसके साथ छेड़े। अगर कोई छेड़खानी करता तो फिर उसमें हमारे फ्रीडम की आजमाइश शुरू हो जाती है कि क्यों ना फिर हम ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मुकाबले में जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनके बारे में सवाल पूछे कि भाई आप क्यों बना रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं। कम अज कम ये बनता है कि जो कुदरत ने शक्लोहियत हमें गिलगित-बल्तिस्तान की सतह पर अता की है, हम उसके बारे में उनसे पूछें कि नहीं हमारे साथ ना छेड़े, हमारे जो होटलों में जाना है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े उनमें चले जाना है तो आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, बड़े खूबसूरत होटल मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा आपको दुनिया की सहूलियात मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी इश्तवेरा से जरा नम हो तो यह मट्टी बड़ी जरखेज है। गिलगित-बल्तिस्तान की इस जो कुदरती खदुखाल है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको एज इट इज रखने के लिए, दुनिया भर में दिखाने के लिए हमारा क्या रोल बनता है, यही से हमारे फ्रीडम, यही से हमारी सोच की अक्कास हमारे सामने आनी चाहिए। हमारी सहाफत में, हमारे कलम में, हमारी जबान के अंदर ये सारी इस बात से मैसेज जाना चाहिए तमाम तर अदारों को और तमाम तर जिम्मेदारों को। खालिद भाई, आपकी इस खूबसूरत गैदरिंग का अगेन थैंक यू सो मच। मेरी अगर जबान में कोई लर्जिश हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बड़े बड़े।